मैं हूं ओमनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ब्लैक साड़ी के साथ किस तरीके से मेकअप क्रिएट कर सकते हो जो कि इतना हैवी भी नहीं है और बहुत ही हल्का सा भी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। आप अपने कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर से अपनी जो फेस है उसको अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए। उसके बाद आप एज अ प्राइमर यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल यूज़ में ले रही हूँ। इससे हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बनता है। अब या तो आप कंसीलर या फिर कोई भी आपके पास आई बेस है, आप उसको अपनी आईज पे इस तरीके से पूरे क्रीज पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। इसी को अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए अभी अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मैं फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कंसीलर को मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। आप बाद में भी फाउंडेशन लगाने के बाद भी इसको यूज़ में ले सकते हैं, मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन मैं यहाँ पे पहले ही इसको अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी थोड़ी डार्क स्किन है। अपनी आईब्रोज़ को शार्प दिखाने में भी इसको अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अब मैं इसको अच्छे से सेट कर ले रही हूँ वेस को, ताकि हमारी जो क्रीज लाइन बनने ना पाए। ये इसको भी मैं सेट कर लूंगी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे मैंने काजल ले रखा है लैक्मे का और उसको मैं अपनी पूरी इस तरीके से आप इसको अपनी लिड पे अप्लाई कर लीजिए। और उसके बाद मैं फिंगर से इसको ब्लेंड कर लूंगी। क्योंकि मेरी साड़ी ब्लैक कलर की है इसलिए मैं यहाँ पे आई मेकअप है वो ब्लैक ले रही हूँ, और जो कि मैं थोड़ा सा स्मोकी क्रिएट कर रही हूँ आईज मेकअप में। यहाँ पे मैं ये वाला पैलेट यूज में ले रही हूँ। बाद इसको एज अ ट्रांजेक्शन शेड मैं इसके ऊपर अब इसको अप्लाई करूंगी, ये देखिए इस तरीके से, ताकि हमारी एकदम हार्श लाइन ना दिखाई दे और ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड। अब वेट ब्रश की हेल्प से मैं ये ब्लैक ले रही हूँ को अप्लाई कर रही हूँ। अब ये वाला पैलेट लेके मैं यूज कर रही हूँ और इस तरीके से थोड़ा ऊपर की तरफ इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये हमारा एज अ ट्रांजेक्शन शेड बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मेरी साड़ी का कलर ब्लैक है और थोड़ा ग्रेश है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना आई मेकअप भी कुछ इसी टाइप का कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ये कॉपर हाइलाइटर यूज में ले रही हूँ और उसको भी अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे लाइनर अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल लाइनर ड्रॉ करूंगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे आईलाइनर लगा लिया है। मैं इसी को लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अब लैक्मे 925 का हुई फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। और वेट स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। इससे क्या होता है, हमारा जो फाउंडेशन है बहुत ही अच्छे से अप्लाई होता है, क्रीज लाइन नहीं बन पाती है और बहुत ही स्मूथ हमारा मेकअप अप्लाई होता है। इसलिए आप स्पॉन्ज को वेट कर ही यूज में लें। अब यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। आईब्रोज को मैंने फिल कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने पूरे बेस को अच्छे से सेट कर लूंगी। कॉम्पैक्ट पाउडर में हल्का सा शिमर है, अपने पूरे फेस और नेक पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैंने फेस को अच्छे से सेट कर लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से। अब यहाँ पे मैं क्रीम कंटूर करने वाली हूँ और इसके लिए इस तरीके से यहाँ पे पैलेट में से ये वाला मैं कंटूरिंग के लिए यूज में ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ब्लश यूज में ले रही हूँ। यहाँ पे कुछ हल्का सा पिंक
किश में यहाँ पे ब्लश यूज में ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने पिंक ब्लश यूज कर लिया है और इसको भी हल्के हल्के से मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, ताकि एकदम ऐसा ना लगे कि थुपा थुपा सा। और इस तरीके से हमको अच्छे से इसको ब्लेंड करना है ऊपर की तरफ। अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज में ले रही हूँ और इसको अपनी चीक बोन्स पे, अपनी फॉरहेड पे, थोड़ा सा सेंटर में और थोड़ा सा साइड में भी इसको मैं अप्लाई करूंगी। ये बहुत ही अच्छा लगता है। बाल इसको अपनी चिन पे भी। इसी से मैं अपनी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लिपस्टिक लास्ट में अप्लाई कर रही हूँ, ये कुछ पिंकिश है और ये बहुत ही प्यारा कलर है। फ्रंट लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर लिया, मैं एक स्टेप करना भूल गई सॉरी, जो कि मैं अब कंप्लीट कर देती हूँ। और मैं लोअर लैश लाइन पे यहाँ पे रेड कलर का ये वाला आई शेडो मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि रेड लिपस्टिक है तो, और पूरा ब्लैक स्मोकी आए है तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक करने के लिए यहाँ पे मैं ये रेड कलर का लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये था मेरा फाइनल लुक, जो कि आप लोगों को शायद पसंद आया हो। अगर आपको जरा सी भी मेरी वीडियो और मेरी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।